हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, कौन बताएगा आज को? है कि नहीं बताने के लिए? मैं हूँ। तो बताओ आज क्या बनाने लगे, क्योंकि आज से हम लोग ने दुल्हन को कर लिया है किटन है। तू बोला नहीं तो क्या? आज क्या पकाने वाले? वही मैं, मेरा डायलॉग था ना, तो मेरे मुंह तक आया, लेकिन मैं बोला यार तो कोई दिख नहीं रहा है बताने के लिए कि आज हम लोग क्या तो करने आज है ना। हम लोग ने ना जीनत की लास्ट शॉपिंग करवाए उसके हाथ से, कल से अभी वो कोई शॉपिंग नहीं करेगी। आज मम्मी क्या बनाने वाले? बताओ। मम्मी ये बोल रहे कि आज है जीनी आपा की लास्ट शॉपिंग हो चुकी है। लास्ट शॉपिंग हो चुकी है यानी कि अब से उसका बाहर जाना बंद। अभी जो भी होता है ना, कपड़े लाना है, दुल्हन को कुछ दिन पहले घर में ही बंद किया जाता है। बंद मतलब बोलते हैं ना कि दुल्हन को ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए, यानी कि उसकी शॉपिंग अभी फाइनली डन हो चुकी है। तो आज वो जो लास्ट शॉपिंग करके खुद से आई है ना, तो आज मैं शो करूँ आप लोगों के साथ। हाँ, खुद जाके लेके आई है अभी मेरे साथ। मम्मी ये भी बाकी था, ये भी बाकी था करके खुद लिए लिए है उसका बचा कुचा सामान, जो आप अभी देख लेना। तो भाई फाइनली सब हो गया ना, तेरा सब ले लेना तूने? हाँ, अभी कुछ बाकी है तो बता देना, हम लोग जाके लेके आ जाएंगे तेरे लिए, ठीक है? चलो चलो अभी देखते हैं कि भाई इसने क्या शॉपिंग करी है और क्या लेके आई है। तो यहाँ पे देखो ये पता नहीं क्या है भाई, ये भाभी। हाँ, कौन बताएगा? भाभी बताएगी, आज भाभी दिखाएंगे। प्राइसिंग जो है वॉइस ओवर मिलेगी आप लोगों को पीछे से आवाज आते हुए। नहीं, अभी ये प्राइसिंग के साथ नहीं बताएंगी, इसकी डिटेलिंग बाद में होगी। तो ये बैंगल का बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अपन ने जितने भी मार्केट में ढूंढे ऐसा नहीं मिला, नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। सबसे बड़ा बॉक्स है उसने। और ये पाउच है छोटी मोटी चीजें रखने के लिए। हाँ ठीक है। और ये बटन देखो इसके, और ये ना ये कुत्ता नहीं है लकड़ा। वैसे इसमें फिर भी कितनी तेरी बंगड़ी आ जाएगी, बहुत आएगी। एक इसमें दो दो डजन, चार डजन आती है ना, दो चार डजन आती है, दो दो सेट, दो डजन है ना तेरे लिए। इतनी बंगड़ी तो हम लोग ने ले ली ना जी। अभी मैं एक बात बोलूं, ये जो बॉक्स लिए ना, ये बॉक्स है ना पक्का बोलती है इसको ना छोटा पड़ेगा, कम पड़ेगा, इससे डबल बंगड़िया लिए लिए उसने। ये डब्बा उसको कम ही पड़ने वाला है, बहुत बंगड़ी है माशाल्लाह उसके। तो कहा गया और सामान? अब ये क्या है रे? ये क्या है? ये मैं बताऊँ, ये है हजाम, नहीं हजाम की पेटी। अरे हम लोग की गली में हजाम आता था ऐसी पेटी लेके। वैनिटी बॉक्स जिसमें मेकअप की चीजें, छोटी मोटी इयररिंग, ये ब्यूटी पार्लर वाला लोग लेके आते ना घर पे, ब्यूटी पार्लर वाले लोग जो घर पे ऑर्डर के जाते हैं लेके, उन लोगों के पास ये रहता है। जैसा अभी इसको सजाने आएंगी, तैयार करने आएंगी ब्यूटीशियन, वो ये लेके आएगी अपना साथ में। अच्छा, मतलब जो गली में अपना हजाम आता था उसको डबल बॉक्स, डबल बैग, डबल बैग। अच्छा, नहीं वो तो ऐसे ही लाता था हजाम वाला। नहीं वो अलग है, वो लॉक है। ये चाबी भी है इसकी साथ, इसकी चाबी भी अंदर इसकी। ये खाली लाली वाली के लिए इतना क्यों लॉक? लाली वाली के लिए नहीं, अम्मी के पास भी इसमें ज्वेलरी भी चली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारा सामान आता है इसमें। नीचे रखना, नीचे रख के बताती हूं मैं लोगों को। लुक तो देख उसका। हां सही में बहुत अच्छा दिख रहा है, ब्यूटीफुल है ना। ग्रे ल्यू कपड़ा और उसके हिसाब का उसके मैचिंग। लेकिन भाभी इसमें क्या क्या रखते हैं? वैसे तो सबको पता रहेगा, मुझे नहीं मालूम। फाउंडेशन, जो तुम्हारे जितने ओवरऑल मेकअप की चीजें हैं, फिर इसमें छोटे छोटे इयररिंग, छोटे मोटे क्लिप्स, नेल फाइलर, ठीक है बंद करो। ये ऐसे बंद करते हैं, ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ओहो, और ये लॉक ऐसे करके ऐसे, ओके, फिर से, और इसमें चाबी। एक नंबर लग रहा है यहाँ। ये अपना वो है ना फर्नीचर, या सेम कॉम्बिनेशन उसने क्या लिया? अरे इसका पलंग और फर्नीचर ऐसा है। पिंक वाला पसंद करी थी मैंने ना, पिंक वाला बॉक्स निकाली थी, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया पिंक वाला कैंसिल करके इसने क्यों लिए। आप बता रही है कि मेरे पलंग के साथ, मेरे सिंगारदान के साथ और मेरा जो कबाड़ है उसके साथ ये डब्बा थोड़ा सा मैच करेगा, पिंक वाला मैच नहीं करेगा, समझ में आया? पिंक वाला से बड़ा था और उसके अंदर पार्टीशन भी थे, ऐसे बॉक्स ज्यादा थे पार्टीशन। अभी निकालो और क्या है। बेडशीट वगैरह भी मंगाए हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मंगाए, इलास्टिक वाली, वो भी हम लोग ने ग्रे कलर की ही मंगाए है, क्योंकि हम लोग ने अभी ये जो वेलवेट की चद्दर मखमल की लाए है ना पूरा, तो उसमें कभी गर्म होगा ना तो वो कभी कभार बिछा सकती है, तो इसके लिए कॉटन की हमने अभी ऑर्डर दिए है, तो शानी ने ना उसमें भी ग्रे, यानी कि बेडशीट और तकिए का कवर भी दो दो ऑर्डर दिए। इधर भी घुस रहा है, उधर भी, सब इधर आके बैठ। नहीं मेरा कैमरामैन है, अच्छा हुआ है। ये तो हमने दो लिए, वो थाल इधर आओ,
नहीं, ये क्या है? अरे वो जो थाल सजाते ना, हल्दी का और मेहंदी, तो हल्दी मेहंदी का हल्दी कलर का लिए, वो हल्दी के लिए जो इसने हल्दी का सामान खरीदा ना, ऊपर ढाक के दुपट्टे पे डॉट्स, हां मां शेड देगा ये। मैंने क्या दो थाल खरीदा है, दो थाल, और मैंने भी वो प्लास्टिक की थाली खरीदी हूं, बड़ी जब भरी जाएगा ना। ओहो, ये दुपट्टा भी मस्त है, इसका बॉर्डर देखो। हाँ, अभी वो दुल्हन वाले कपड़े इतने देख लिया ना, तो ये सब बचकाने लग रहे। अरे कपड़े ऐसा ही होता है, ठीक है मैं ये बात में खड़ी। अच्छा, रियाज को ना शादी से पहले शादी का नॉलेज हो जा रहा। हाँ। और जैसे उनको बर्तन का नॉलेज हो गया, पूरा खर्चा कर, इसमें सब मेरे समझ के बाहर है। सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन, ये सब मुझे सब्सक्राइबर्स ने बहुत बड़े बड़े कमेंट किए थे। ये सब क्या है? से एक फेस वॉश लेकिन अभी इसके यूज में आएगी नहीं, क्योंकि अभी तो बुरखा चालू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे ये क्या है जीना? ये फाउंडेशन ल्यू, बस फाउंडेशन, ज्यादा मेकअप नहीं। तो ये है दुल्हन के नखरे, और अल्लाह के करम से उसके बाद ये तो अम्मी तुम्हारे लिए ऐसा लिए थे ना हमने, फूल वाला, ये कोम वाला ब्रोच। हाँ, और दिखाओ, और दिखाओ। और अभी ये जो गिफ्ट आया है, अरे एक गिफ्ट भी आया है आज, ये कौन खोलेगा? गाउन कौन बताएगा? गाउन भी लेके आई है उसने अभी। अच्छा, ये गाउन भी लाइए क्या? घर में पहनने के लिए गाउन चाहिए ना उसको, देखो। तो ये रहा गाउन, गाउन ही बोलते ना रे बाबा इसको, मस्त लग रहा है। और ये कलर मेरे को अच्छा लगता है, ये अम्मी की पसंद। ये झुमके कितने साल पुराने रे बाबा झुमके, लेकिन नहीं अच्छा अच्छा। प्लाजो और दुपट्टा आ चुका है पहले से, व्हाइट दुपट्टा, व्हाइट प्लाजो। अच्छा, इसके लिए मैंने व्हाइट का कॉम्बिनेशन। हाँ, ये भी कलर अच्छा है, पिंक। हाँ, ये भी अच्छा लगता है, मस्त। दोनों गाउन मेरी पसंद के लिए मैंने, इसमें भी है ना मोती है ना, घर में पहने हैं ऐसा, हम लोग के कुर्ते पैजामे भी है। अच्छे है ना गाउन, मस्त मस्त। पहनने के लिए अभी है ना कुछ गिफ्ट भी आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं गिफ्ट की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखो बहुत से गिफ्ट आए, और हमारी शॉपिंग भी है। इतना बोलूंगा कि ऊपर का जो हम लोग का रूम है ना बगा, वो आधा भर चुका है, अल्लाह का शुक्र है। ये भी देखो हमारे किसी चाहने वाले मोहब्बती इंसान ने भेजा है, तो अभी तक इसको खोल के हमने चेक नहीं किया इसमें क्या है, तो चलो खोलते हैं। तो भाभी था लेकिन मैं खोल रही हूं, हां मेरे की भाभी को भी खोलने का मौका मिल रहा है, मजा आ रहा है भाभी। चलो दुल्हन साहब हट जाओ, मैं कोई खोलना पड़ा है। हाँ, तो भाभी देखो क्या है, अभी तक मुझे सही में नहीं मालूम क्या है इसमें, देखते पहला कौन गेस करता है। दिखाओ पहले नाम, क्या है, क्या प्रीमियम डिनर, डिनर तो देख लिया मैंने, डिनर भी है, कितने डिनर सेट डाले भाई, कितने साल के पास है ना, डिनर सेट की वैरायटीज हो गई, ठीक है, अलग अलग अच्छी है भाई। जीना वाला हाथ लगा, मैं करती हूँ, मैं तबरेज को सुला ली थी ना जरा, भाभी मेरा काम करे तो मैं भाभी का करी, नीचे का पकड़ो तुम, नीचे का आराम से, आराम से, ये आराम से रे भाई। हाँ, खुल गया, तबरेज खुल गया, मैं निकाल रही हूँ, तबरेज खुल गया, तबरेज। अरे वाह, ये कलर कुछ अलग है, माशाल्लाह माशाल्लाह, पैटर्न भी अलग है, पसंद मालूम पड़ गई है ना, एक नंबर। ये भी इसका कटिंग, हाँ डिजाइन भी अलग है। पर तुमने एक चीज, कितने प्लेट से? एक दो तीन चार पाँच छह, वाह छह प्लेट, मतलब सब छह छह के सेट है इसमें, सब स्क्वायर में ही है लेकिन सबका स्टाइलिंग अलग है। ये है क्वार्टर प्लेट, ये छोटी वाली का सेट है, खोलू क्या इसको? हाँ खोलो, खोलने के, नहीं नहीं रिंदो 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 रिंदो, वो बड़ी वाली की डिजाइन दिख गई ना, वैसी कुछ है। यूसुफ थोड़ा साइड हट जा पापा, सेम है क्वार्टर प्लेट से। हाँ, ये पेटी, हाँ ये पेटी गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। इतना खाना बनाएगी क्या? खाएंगी क्या? खाऊंगी मैं, इतना खाना खाऊंगी। सॉरी गाइस, मैं ब्लॉग में लेट आया, अपनी हालत एकदम बहुत जैसी थी, और अभी एकदम फ्रेश होके मैं थोड़ा, हाँ तू ऐसी अंडा टेकर, मैं छुप नहीं सकती ज्यादा, देखो भाई दुल्हन कैसी रहती है, थोड़ी सी ऐसा ये ऐसा रहेगी कैसा चलेगा, ऐसा नहीं, देखो ऐसा थोड़ा सा चिल मारो, इसको अपन पूरा एडिट में गायब कर देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोल रहा था कि इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट आ रहे हैं कि मन करता है कि दूसरी शादी कर लूं, मतलब दूर के साथ,
जो सबसे डीप मोमेंट रहते ना गरीबी हाल में, मैंने तब शादी किया था, मैंने उससे पहले भी अमीर था, उसके बाद भी अमीर था। अभी ऐसा देख रहा नहीं बाप रे, ऐसा क्या कर रही है? मेरा भाई इतना गरीब था, उठा के शादी खैर वो अंदर की बात है। जबरदस्ती शादी भाई, वो बंदूक दिखी नहीं लेकिन अभी तक नहीं। खैर ये तो मस्ती है भाई, ये सब टॉपिक पे कोई एक भी कमेंट किया, रुको बता दो, रुको रुक। सर ये हम लोग की हंसी मजाक पे एक भी कोई आड़े टेढ़े कमेंट किया, देखो मैं भाई नहीं हूँ, जिन्हें आपा नहीं हूँ, ये लोग ना चुप रहते हैं, एक एक की वाट लगाऊंगा, नाम ले ले गया। तो एक देखो ये भी हमें गिफ्ट आया है, किसी ने तो भेजा है, सॉरी हम लोग मेंशन नहीं कर पा रहे, और इतने लोगों ने भेजे ना कि हमको सही में नहीं मालूम कि कौन सा किसने भेजा है सच्ची, बट हर किसी को थैंक यू, और जिस किसी को भी मैंने एड्रेस मना किया है वो लोगों को भी सॉरी। बीड़ी क्या उसमें? अच्छा तो मतलब सब यही सेट, डिनर सेट में सब यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिस किसी ने भी भेजा है उसको दिल से शुक्रिया, इसमें भी सुपर। मेरे पास क्योंकि एक में आया है ना भाभी, दो सुपर बाउल से, तो इसमें दो डेजर्ट बाउल से, तो इससे बैलेंस दुल्हन की भाभी को भी दो, फिर वो को देंगे। भाभी आवर है, आपने इतना प्यार दिए ना, इतना सपोर्ट दिए, इतने गिफ्ट आ रहे हैं, मैं तुमको सच्ची बताऊं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मैं ना गिफ्ट में रिसीव किसी और का कर रहा हूँ, एक एक टाइम पे तीन तीन चार चार दिन गिफ्ट भेज रहे, हाँ बताता हूँ, तीन तीन चार चार दिन गिफ्ट भेज रहे, रिसीव एक का हो रहा है और ऐसा लग रहा है उसने भेजा है, मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ, फिर बाद में पता चल रहा है ये गिफ्ट तो इनने भेजे थे, ऐसा सीन हो रहा है, इतने गिफ्ट मुझे लगा रहे, मैं तो दुकान पे जमा करवा रहा हूँ। हाँ हम लोग बाहर रह रहे हैं, लिटरली घर तक के नहीं, बंदे डिलीवरी वाले को बोल रहे हैं यार ड्रॉप कर दो, मैं बाद में पिक कर लूंगा, हम लोग बाहर रह रहे, अभी देखो शॉपिंग करके आए, इसका हम लोग बाद में मिलेगा, ये सब बस बहुत हालत खराब है। ये बाउल अलग है, अभी तक हम लोग ने राउंड बाउल रिसीव किए जितने भी डिनर सेट आए हैं, ये खाली मेरे को लग रहा है ये ना मटन के लिए लग रहा है, बाउल नहीं बोलते कर कमेंट है, बॉल 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 बाउल बाउल बॉल। हम लोग की इंग्लिश थोड़ी ज्यादा आगे, ए तू जा चाय बना, तू जा चाय बना, ए भाई चाय बना रहे हो इसको, खामोश रहने का खामोश, फास्ट से नहीं, अभी अभी ये दुल्हन वाली इसको वाइफ देते हैं, ए तू दुल्हन है अभी मारेगा वैसे चम्मच फेंक के, बोलना नहीं फिर दुल्हन है भाई, चाय चाहिए कि नहीं? हां ये काम किया, अच्छा हां ना, अभी अभी फ्रेश हुआ ना, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अब चाय वाय पी के थोड़ा एडिट करूंगा ना, नींद आ जाएगी मेरे को, ऐसा लग रहा है, मैं सुबह से हालत खराब है। आज अपन वैसे भाई कहां गए थे? हम लोग बायंदर गए थे, क्या लेने? जिनत के बर्तन लेने। कहां मिलेगा ब्लॉग? मिस्टर सरकार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, सब्सक्राइब किया, हम लोगों को एक मकान दिया, हम लोगों को इतनी प्यार रिस्पेक्ट दी, वो सबके लिए थैंक यू सो मच। हमारे घर में ये जीनत की तीसरी शादी है, और नहीं भाई क्या बोल रहा है, हमारे घर की तीसरी शादी, वही जीनत की मतलब तीसरी, हमारे घर की बोला ना, तीसरी शादी है, इतना मजा हम लोग ने ना पहले दो शादी में नहीं ले पाए, एकदम हकीकत, लोगों की मोहब्बत की वजह से ज्यादा मजा लेना, सही बात, एकदम सच बोला, सच बोला, बात नहीं कर रहा हूँ, हम जो खरीद रहे हैं, हम जो इतना खुले दिल से कर रहे हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत भी मिल रहा है ना अपने, थैंक यू सो मच गाइस, हमारे हर दिन को स्पेशल बनाने के लिए, वो हम लोग तुम लोगों के साथ चीजें शेयर कर रहे हैं, थिंग्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग फीलिंग्स फील कर रहे हैं ना वो नहीं शेयर कर पाए, वो सबके लिए सिर्फ मैं थैंक यू बोलूंगा ना, वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए ना इमोशन को समझो यार। लेकिन वाइल शेयरिंग हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, अगर ये हम ब्लॉग्स नहीं बना रहे होते, हम सिर्फ खरीद खरीद के लाके रखते और किसी को एक दूसरे को उतना एक्सप्रेस कर भी नहीं पाते, वो वक्त दिमाग में रहता है ये खरीदना है वो खरीदना वो खरीदना, लेकिन वाइल ब्लॉगिंग हम लोग के दिमाग में चलता है कि आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, उसी साथ हम हंसी मजाक भी कर लेते हैं, तो हमेशा हमारा साथ देने के लिए, हमारी फैमिली को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, फिर से गाइस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू।
तो चलते हैं, ये वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय।